सब्सक्राइब कीजिए लव गेम टेक्निकल यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। आप देख रहे हो अमित केकेपी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे बना सकते हो और वो किस किस काम आता है। फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आप पीसी के जो गेम स्क्रीन है उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइव गेम खेल सकते हो, लाइव वीडियोज और मूवीज देख सकते हो और कुछ सामान और कुछ प्रोडक्ट्स आप परचेज कर सकते हो और आप किसी को हॉटमेल के जरिए ईमेल भी भेज सकते हो। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए आपको ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर में सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। जैसे ही आप ब्राउजर में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट सर्च करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का वेब पेज खुलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट साइन इन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलता है। तो आप यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में देख सकते हो साइन इन, आपको इस पे क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो क्रिएट वन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपनी जीमेल की आईडी टाइप कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना जीमेल जो है टाइप कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाने के लिए। जैसे ही आप उसमें अपनी जीमेल आईडी डाल के नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलता है। तो इसमें आपसे पासवर्ड टाइप करने के लिए बोलता है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें ऐसा पासवर्ड डालिए जिसमें ABCD के कैपिटल वाले अक्षर भी आए और जो लो वाले है वो भी आए और कुछ नंबरिकल आए और कुछ डॉट कॉमा भी यूज हो। तो इसमें किस तरह का पासवर्ड टाइप करना है मैं उसका एक फॉर्मेट आपको दे दूंगा। आप वहां से जाके उसके हिसाब से कोई भी पासवर्ड आप इसमें सेट कर सकते हो। तो मैं इसमें अपना पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। और जैसे ही आप पासवर्ड टाइप कर दो फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना। जैसे ही आप पासवर्ड टाइप करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हो तो उसके बाद ये आपसे आपके जीमेल को वेरीफाई करने के लिए बोलता है। तो आपको अपना जीमेल ओपन करना है और जीमेल पे जो कोड आया है वो कोड आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं अपनी जीमेल ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जीमेल ओपन कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई यूवर ईमेल एड्रेस, तो मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आप कोड देख सकते हो 5457, तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ईमेल से वो कोड यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद ये आपसे आपकी कंट्री चूज करने के लिए बोलता है। तो मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे फोन नंबर टाइप करने के लिए बोलता है। तो मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर टाइप कर देता हूँ। इस OTP को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, आप इसे बैक ना कीजिए। OTP 2 से 3 मिनट के अंदर आपके फोन में आ जाएगा। तो मैं OTP यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। अब आप इसे किसी भी पर्सन के लिए यूज कर सकते हो, चाहे वो लाइव मूवी देखना हो या फिर गेम खेलना हो या फिर गेम स्क्रीन रिकॉर्ड करना हो। इससे अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से गेम स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।